नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कतर के बारे में। जी हाँ भाई, कतर के बारे में भी करेंगे। थोड़ा बहुत आपको सऊदी और कुवैत के बारे में भी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। फ्लाइट से रिलेटेड भाई, कौन लोग उनमें भी जा सकते हैं, किस तरह से क्या प्रोसेस रहेगा, कतर के बारे में बता देते हैं हम आपसे। जैसे विजिट वीज़ा, वर्क परमिट वीज़ा, क्वारंटाइन से रिलेटेड, वैक्सीन या फिर PCR टेस्ट का चार्जेस वगैरह, पूरी हम डिटेल से बात करेंगे इसी वीडियो में। तो भाई वीडियो पूरा देख लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। जी हाँ, डिटेल जानकारी देंगे आपको। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको कतर से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं जी कतर के बारे में। भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं हम वीज़ा के बारे में, क्योंकि भाई कतर में बहुत सारी दुनिया जा रही है, क्योंकि सब लोगों को मौका मिल रहा है कतर में जाने के लिए। तो अभी एक ऑप्शन कतर ही बचा है। दुबई में भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, सऊदी में, कुवैत में, बहरीन में, ओमान में ऐसा इतना कोई ऑप्शन नहीं है, कतर एक ऑप्शन है। अच्छा, बार बार वीडियो में बोलता रहता हूँ। तो कतर ने भी भाई, हर वही बात है भाई, जैसे भीड़ बढ़ती है कुछ अपडेट होते रहते हैं, नए नए अपडेट मिलते हैं। आज हो सकता है वीडियो देख रहे हो, दो दिन बाद में कुछ नया अपडेट आ जाए। आज की डेट में अगर अपडेट की हम बात करें तो विजिट वीज़ा में अगर आप जाते हैं, जी हाँ, यानी पहली बार आप वीज़ा लेके जा रहे हैं, तो आपका जाने का प्रोसेस क्या होगा वो आपको जानना जरूरी है। आप इंडिया से जाते हैं तो आपको दोनों वैक्सीन लेनी जरूरी है। आप इंडिया से, कई बार बोलते हैं ना कि वैक्सीन की जरूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल है भाई, दोनों वैक्सीन कोविशील्ड या वैक्सीन लेके जाओ, सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। जी हाँ, बाकी एतराज है वगैरह वो कुवैत कतर वाला वो अपलोड करना, वो आप सबको पता ही होगा उसके बारे में। PCR टेस्ट की रिपोर्ट 72 घंटे की आपके पास होनी जरूरी है, वो भी आपके साथ में चाहिए होगी। जी हाँ, दो आपके टेस्ट होंगे कोरोना के। अब आप विजिट वीज़ा में जा रहे हैं, दो टेस्ट होंगे आपको, कम से कम 10 दिन आपको होटल में क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। जी हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट है। विजिट वीज़ा में जाने वाले जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, फर्स्ट आपका एयरपोर्ट पे ही आपका हो जाएगा भाई टेस्ट। एयरपोर्ट पे आपसे कम से कम 300 कतरी रियाल लिए जाएंगे, 300 का मतलब 6,000 रुपये। पहली बात तो वो तैयार रखिए। उसके बाद में आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। उसके 7 से 8 दिन के बाद में आपका सेकेंड दोबारा से रेपिड टेस्ट एक और होगा, टेस्ट RT-PCR, जिसमें आपको ये पता लगेगा, उसकी रिपोर्ट 2 दिन में आ जाएगी, यानी 10 दिन के अंदर पूरा प्रोसेस हो जाएगा। उसमें यह पता लगेगा कि आपको कोई कोरोना के सिम्टम नहीं है, आपको जाने दिया जाए या फिर वहीं पे दोबारा क्वारंटाइन करने की स्थिति है, क्या स्थिति है वो तो उस रिपोर्ट में पता लग जाएगा। यानी दोनों बार कोरोना के टेस्ट होंगे, आपका पैसा लगेगा। पहली बात तो ये आपको दिमाग में फिट कर लेनी है। जी हाँ, सेकंड अगर बात करें कि भाई जो लोग वर्क परमिट वीज़ा पे जा रहे हैं, उनको देखिए वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, वो बिना वैक्सीन के भी जा सकते हैं, लेकिन RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट उनके पास होनी चाहिए। जी हाँ, 72 घंटे की अलाउ है, 72 घंटे की ज़रूरी है, जो वो आपको साथ में लेके जानी पड़ेगी, वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई मैं आपको सजेशन करूँगा कि इंडिया से आप वैक्सीन लेके जाएं, क्योंकि वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है कि आपको बाय चांस कोरोना हो भी जाता है तो आपको उससे बचा लेता है, आपको मरने नहीं देता है, और बाकी नॉर्मल सिम्टम आते हैं तो उनको कंट्रोल में भी हो जाते हैं, तो वो एक अच्छी बात है। आपको 100% मैं तो बोलूँगा वैक्सीन लिए बिना जाएं नहीं, आप समझ गए होंगे। आपको रेडेंशियल होल्डर हैं जिनके पास पहले से कतर की जो ID बनी हुई है आपको पता है, वो लोग अगर जाते हैं तो उनको एक PCR टेस्ट तो उनको भी लेके साथ में जाना पड़ेगा, उनको 2 दिन होटल में क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। जी हाँ, उनके लिए 2 दिन का है, एयरपोर्ट पे उनका एक टेस्ट होता है, आप सबको पता है जो दुबई में हो रहा है सब जगह हो रहा है वो सेम ही है, 2 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, 2 दिन के बाद आप अपनी कंपनी में जा सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। जी हाँ, हालांकि अगर देखा जाए तो ये 5 देशों पर ही लागू होती है भाई बात, जैसे रेड लिस्ट में कतर सरकार ने इनको डाल रखा है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, जी हाँ, और श्रीलंका, ये जो कंट्री हैं इन्हीं पे ये चीज़ें लागू होती हैं। और रेड कंट्री वाले जो बच्चे हैं भाई, उनका भी आपको पता है अलग से नियम है, आप सबको पता होगा, आप अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं तो उनके अलग से अपडेट हैं, तो वो आप देख लें। हालांकि समय समय पे अपडेट बदलते रहते हैं, हो सकता है ये वीडियो आप 10 दिन बाद देख रहे होंगे तो कुछ नए अपडेट आ चुके होंगे। कुवैत ने भी भाई एक शर्त रखी है, साथ में मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये जो 5 कंट्री हैं वही लोग जा सकते हैं, उनको जिन्होंने कुवैत में डोज दोनों लेके वो अपने देश गए थे छुट्टी, वो वापस आना चाहते हैं तो वो थर्ड कंट्री के द्वारा आ सकते हैं, उनको ये ऑप्शन दिया गया है। दूसरा ऑप्शन सरकार ने ये दिया है कि भाई जो मान लीजिए पहली बार आ रहे हैं जिन्होंने कुवैत में वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, उनको एक ऑफर दिया गया है इन्हीं 5 देशों में कि आप हमारी जो कुवैत की एम्बेसी है इंडिया में है, जैसे अलग अलग जगह पे है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश सब जगह है, वहाँ पे आप एम्बेसी में जाइए, वहाँ पे आपने जो वैक्सीन ली है उसको सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई करवा लीजिए। वेरीफाई का मतलब ये होता है आपने जैसे कोविशील्ड की डोज ले रखी है इंडिया में, दोनों ले रखी है, आपके पास सर्टिफिकेट है, वो आप लेके वहाँ जाओगे इंडियन
कुवैत की एम्बेसी जो आपके नज़दीक में है वहाँ पे वो आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपके चेक करेंगे, हाँ आपका रियल में ये डॉक्यूमेंट सही है तो उसको वेरीफाई कर देंगे, मोहर लगा देंगे और वो ऑनलाइन शो हो जाएगी, तो आपको कुवैत जाने में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपके पास एक ऑप्शन है, वो भी थर्ड कंट्री के द्वारा डायरेक्ट। तो आपको पता भाई फ्लाइटें अभी ओपन नहीं है, घरेलू कामगार वगैरह ऐसी वहाँ पर ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, तो लोग अभी जा रहे हैं, तो आपके पास भी ऑप्शन है कि आप अगर कुवैत में वैक्सीन ले रखे आए थे छुट्टी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सीधे आप थर्ड कंट्री के द्वारा जैसे कतर के द्वारा या फिर आप दूसरी कंट्री मालदीव के द्वारा जा सकते हैं, या फिर आपने इंडिया में लिया भाई आपने जो वैक्सीन ली है उसको आपको वेरीफाई करवा के फिर आप जा सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। भाई हम बात कर लेते हैं टिकट के बारे में। भाई देखिए अगर आप कतर जा रहे हैं तो कतर की टिकट तो आपकी सस्ती मिल सकती है आपको, क्योंकि कतर तो नॉर्मली फ्लाइट है 15,000 से 20,000 में आपको टिकट मिल जाती है, हालांकि वो भी हम महंगा ही बोलेंगे क्योंकि यार जो कतर की टिकट 7-8-10 हज़ार में मिल रही थी वो भी अभी डबल है, लेकिन ठीक है 20,000 तक आदमी अफोर्ड कर लेता है वो। आप जैसे कि आप कतर जा रहे हैं आपके लिए ईजी है, कतर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, 15,000 से 20,000 में टिकट आ जाती है इसके बीच में, तो आपको ईजी रहेगा। आप जैसे 10-15 दिन पहले और बुकिंग करवा लेते हैं तो हो सकता है थोड़ी सस्ती मिल जाए, इमीडिएटली आप बुक करवाते हैं तो आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, 2-3-4 हज़ार 5 हज़ार तक का डिफरेंस आ सकता है। अब कुवैत वाले भाई, कुवैत की तो बात ही छोड़ दो, कुवैत की तो इतनी महंगी टिकटें आ रही हैं कि मान लीजिए टिकट कम से कम 50,000 से तो प्लस ही है, 50,000 से नीचे तो आपको टिकट नहीं मिलेगी। कुवैत पहुंचने का मतलब है आपके पास मोटा पैसा होना चाहिए, जी हाँ आपके पास कम से कम 1.5 लाख का खर्चा है कुवैत पहुंचने तक का, तब आप कुवैत पहुंच सकते हो, वरना तो आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि 5,000 रियाल तो आपको कतर में चेक करवाने पड़ेंगे, वो आपकी जेब में चेक करेंगे तब जाके आपको एंट्री मिलेगी। और कतर में भी जो लोग जा रहे हैं भाई तो कम से कम 500-700 दराम आपके कतरी रियाल आपके पास होने चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट पे सबसे पहले 300 रियाल का तो आपका जो टेस्ट का चार्ज है जो पीसीआर टेस्ट का 6,000 तो वही लग जाएंगे आपके, समझ गए, और उसके बाद दोबारा आपका टेस्ट होगा, फिर आपको 10 दिन होटल में क्वारंटाइन रहना है जो विजिट में जा रहे हैं, तो उनका तो पैसा लगेगा ना, तो कम से कम उनको कितने पैसे लेके जाने चाहिए, कम से कम 1,000 कतरी रियाल या फिर 1,500 कतरी रियाल इस तरह से तो आपको चाहिए ही चाहिए। और अगर आप जा रहे हैं कुवैत में सऊदी में तो भाई 5,000 तो लाजमी है, ये तो पैसा आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं होगे तो आपको फिर एयरपोर्ट से वापस निकाला जा सकता है, आपके पास प्रॉब्लम आ सकती है। अब एक दो लोगों के मैंने कमेंट पढ़े थे, हम कतर जा रहे हैं सर हमारे पास 300 रियाल नहीं होंगे, तो अब ये तो आपको सोचने की बात है कि नहीं होंगे तो आप जा क्यों रहे हैं भाई, कोई ननियाल तो है नहीं वहाँ पे कि नानी के पास जाते आप हम आपको मिल जाएगा सब कुछ व्यवस्था, वो तो है नहीं, नहीं है तो भाई आपको फिर रिटर्न आना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी आपको। तो इतने छोटे क्वेश्चन आपको नहीं करने चाहिए किसी के साथ में कि आप हमारे पास 300 रियाल, आप जब इतना पैसा खर्च करके जा रहे हो तो कम से कम 1,500 रियाल तो यार जेब में होनी चाहिए ना आदमी के पास, क्या पता क्या कैसी मुसीबत आ जाए, प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा बहुत तो पैसा एडवांस होना चाहिए, चाहे आप ब्याज पे लेके जाओ, चाहे आप उधार लेके जाओ, चाहे आप कैसे भी लेके जाओ। तो बस ये छोटी सी आपके साथ अपडेट शेयर करनी थी भाई, कतर से रिलेटेड, सऊदी से रिलेटेड, कुवैत से रिलेटेड। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जैसे कोई अपडेट आती है हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय भारत।